आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भेज दिया तुमने अपना। ये सब बच्चों का ही तो है। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और आप मुझे अब बता रहे हैं। उन्हें तो कोरोना है ना। जब अम्मी की जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता है ना, तो तब तुम्हें मुझे बुलाने का फर्ज ज्यादा आ जाता है। मुझे तो लगता है अम्मा भी कोई ड्रामा रचा रही है। देखिए माँ, इधर आके मेरा वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है, मुझ पर एहसान करें और खाना खा लें। मैंने ये मकान बेच दिया था। तुम दोनों ने ये फैसला करना है कि माँ को कौन रखेगा। इस उम्र में करेंगी तो उनका क्या करें। अल्लाह ना उनकी मुश्किल आसान कर रहा है और ना हमारी। इसका एक हल है मेरे पास, ओल्ड एज होम। अरे अरे, ना मैं अहमद की माँ हूँ और ना आफ्ताब की। मैं तो तुम दोनों की माँ हूँ। तुम दोनों ही में मेरी जान बसी है। उठे, आपका फोन बज रहा है। कितनी बार गए मोबाइल ऑफ करके सोया करें, मेरी नींद खराब कर दी। अब नींद भी नहीं आएगी मुझे। हेलो, कैसे? सब खैरियत तो है ना? ओके, आप परेशान नहीं हो, मैं अभी निकलता हूँ घर से। फौजिया उठो, हमें घर जाना होगा, एमरजेंसी हो गई। मुसीबत हो गई ये जिंदगी। An emergency. I'll get back to you as soon as possible. हाँ, अरे संभाल लेना यार, अगर ये मीटिंग कैंसिल हो गई तो डेलीगेशन वापस चला जाएगा। और तुझे पता है कोरोना की वजह से कैसे ही काम के हालात हैं। दोबारा वीजा लगने वाला नहीं है, ना हमारा ना डेलीगेशन। हाँ प्लीज देख यार, एक तो हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ऊपर से आपके घर का दरवाजा देखें किस तरह खुला हुआ है। पता नहीं अब्बा की ये गेट खुला रखने की आदत लग जाएगी। पापा, पापा, पापा कहाँ हैं आप? पापा, तुम्हें सिवैया पसंद है ना?
वही बना रहा था तुम्हारे लिए। मतलब पापा बिल्कुल ठीक हैं आप। भाई शायद तुम दुनिया के पहले बेटे हो जो अपने बाप को तंदुरुस्त देखकर हैरान हो रहे हो। तो वो रात को साथ वाले अंकल की कॉल झूठी थी, मैंने करवाई थी। मुझे पहले ही से ही पता था। लेकिन क्यों पापा, मैं दूसरे शहर से परेशानी की हालत में सारी रात ड्राइव करके आया। मैं भी आया था दूसरे मुल्क से रातों रात, जब तुम छत से गिर गए थे और तुम्हें खून चाहिए था। किसी और का खून न जाने कैसा हो, इसलिए मैंने खुद खून दिया था तुम्हें। तो इसका मतलब आप अपने एहसानों का बदला ले रहे हैं हमसे? बदला तो ये मेरी एक रात का नहीं दे सकता, एहसानों का खाक देगा। तो फिर ये सब क्यों पापा? ये भी मैं तुम्हें बताऊं, जिस औलाद की खातिर माँ बाप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, उसी औलाद से मिलने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। पहले तो तुम ईद शबाना पे आ जाते थे, लेकिन अब तो अब पापा काम का लोड बढ़ गया है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, और वैसे भी मैं वीडियो कॉल करता तो हूँ ना आपको। लास्ट टाइम कब की थी? हर त्योहार पर पहले तेरी राह तकती थी तेरी माँ, और अब तेरी एक कॉल का इंतजार करती है। लेकिन उसके बिजनेसमैन बेटे के पास सारी जहाँ की कॉल सुनने और कॉल करने का टाइम है, लेकिन अपनी माँ को एक कॉल करने का टाइम नहीं उसके पास। तो इसका मतलब आपने ये सब सुनाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? जैसे तुम लोगों को हम लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं रहा ना, वैसे ही अब मुझे भी तुम लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं रहा। वो तो बस नसरीन। क्या हुआ अम्मी को? कुछ नहीं, बस 3 दिन से भूख हड़ताल पर है और कहती है कि आफताब को बुलाओ तब खाना खाऊंगी। उसकी इसी जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े और मैंने तुम्हें फोन कॉल करवाई। मतलब 3 दिन से अम्मी ने कुछ नहीं खाया और आप मुझे अब बता रहे हैं? एक मिनट, उन्हें तो कोरोना है ना? कोरोना है नहीं, कोरोना था 6 महीने पहले, अब वो मुकम्मल से तैयार है। उसके बाद घर डिसैनिटाइज करवाया था। वैक्सीन लगवाई आप लोगों ने? क्या बच्चों वाली जिद है आपकी, खाना खाएंगे तो मेरे हाथ से खाएंगे। हेलो, क्या अपडेट है डील की? अजीब मुसीबत है यार, इधर आके तो मैं फंस गया हूं। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं होता? ओके इनफ, मैं खुद ही पार्टी को टैकल कर लेता हूं। देखिए मां, इधर आके मेरा वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है, प्लीज मुझ पर एहसान करें और खाना खा लें। मां मुंह खोलें। इतनी मुश्किल से इस नौटंकी फैमिली से जान छूटी थी और अब्बा ने झूठ बोल के फिर बुला लिया।
मुझे तो लगता है अम्मा भी कोई ड्रामा रचा रही है। आ गए आप, चले अब, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अभी तो आए हैं, अभी जाना मुनासिब नहीं होगा। तो कब मुनासिब होगा? जब हमें भी कोरोना हो जाएगा। अम्मी को कोरोना नहीं है, कोरोना था उन्हें। ये बताएं, आपने अब्बू का टेस्ट करवाया है या नहीं? तुम तो फजूल की बात का बतंगड़ बनाती हो। अभी कुछ दिन हमें यहाँ रुकना चाहिए। चलने फिरने से तो अम्मी पहले ही कासिर थी, पर फालिज के अटैक के बाद बातचीत से भी गई। उन्हें हमारी जरूरत है और ये हमारी शरई जिम्मेदारी भी है। बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया तो। लेकिन थोड़ा एहसास अपने बड़े भाई को भी दिलवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम तो यहाँ बीमारों के साथ रह के बीमार हो जाएंगे और वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेगा। करता हूँ मैं भाई से बात। मैं नहीं होती ना तो ये पूरी फैमिली अच्छी तरह बेवकूफ बनाती ना। खैरियत तो है ना आफ्ताब, इस तरह इतनी जल्दी बुलाने की क्या वजह? वो भाई, अम्मी की तबीयत कल रात काफी बिगड़ गई। अब कैसी होंगे? कैसी होंगी, चलने फिरने से तो अम्मी पहले ही कासिर थी, अब तो बातचीत से भी गई। तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ ना। मसला किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने का नहीं है, मसला उन्हें लेकर जाने का, और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी यहाँ पर आकर मेरा बिजनेस बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। तो मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ? अगर आप अम्मी को किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दें, या उनके पास रुक जाएं, या आप अपने पास रख लें। देखो छोटे, तुम ये बात बखूबी जानो कि मेरी अपनी मर्जी की शादी के बाद अम्मी ने इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए थे, और दूसरा ये कि बचपन से ही अम्मी मुझसे ज्यादा तुम्हारे साथ खुश रहती है। हाँ, अगर बात पैसों की है तो तुम उसकी फिक्र मत करो, जो भी खर्चा आए ना आधा मुझसे ले लेना। लेकिन भाई, अम्मी आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। फायदे लेते वक्त तो तुमने कभी अपने भाई को याद नहीं किया, और जब माँ की जिम्मेदारी उठाने का वक्त आया तो तब तुम मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद करवाने लगे। फायदे? कौन से फायदे की बात कर रहे हैं आप? देखो, तुम्हें तो बना बनाया घर मिल गया ना, ना तुम्हें घर बनाने की परेशानी ना किसी और चीज की, और मुझे मुझे किस तरह दर बदर भटक कर खुद से करना पड़ा सब कुछ। भाई, ये घर ना आपका है ना मेरा, अम्मी की मलकियत है, और वैसे भी अब तो मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ। आप बड़े भाई हैं, ये बताना मुझे आपका फर्ज था। वाह छोटे वाह, बहुत अच्छे। जब अम्मी की जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता है ना तो तब तुम्हें मुझे बुलाने का फर्ज याद आ जाता है। तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुमने कब फोन किया था मुझे? भाई आप बड़े हैं, अम्मी को संभालना आपका फर्ज बनता है, मेरा नहीं। अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान, क्या कर रही हैं? अरे वाह भाई वाह, दोनों शहजादे लग रहे। रेडी हो गए तुम लोग? जी अम्मी। चलो भाई, मैं तुम लोग की नजर उतार देती हूँ। अम्मी, इंटरव्यू पे जाने से पहले दही या मीठा खिलाया जाता है, और आप हमें मिर्चे खिला रही हैं। अरे मिर्चे खिला नहीं रही हूँ भाई, तुम्हारी नजर उतार रही हूँ। अच्छा बस अब खामोश। अरे मामी, मैं बीमार थोड़ी जो मेरी नजर उतार रही है। अरे मुझे मालूम है तुम दोनों बीमार नहीं हो, मैं तो दुनिया की बद नजर से बचाने के लिए तुम लोगों की नजर उतार रही हूँ। अच्छा बिल्कुल खामोश। अम्मी, जिस तरह आप हमारा ख्याल रखती है ना, बिल्कुल इसी तरह हम भी आपका ख्याल रखेंगे हमेशा। इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें कि जल्दी से हमारी नौकरी हो जाए। अरे मेरे बच्चों, मेरी तो यही दुआ है, जिस तरह आज तुम नौकरियों पे जा रहे हो ना, कल तुम लोगों को नौकरियों पे रखो इंशाल्लाह। जाओ, अल्लाह निगहबान तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें हर नजर से बचाए।
मैं जानता था कि अगर मैं फोन करूंगा तो ना तुम आओगे और ना तुम, इसीलिए मैंने आफताब को फोन करवाया कि वो यहां आकर हालात देखकर तुम्हें बुला लेगा। तुम दोनों को बुलाने की एक वजह थी। वजह? कैसी वजह? तुम दोनों जानते ही हो कि तुम्हारी माँ तवील अरसे से काफी बीमार थी। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं रिटायर था। सारी जमा पूंजी उसके इलाज के लिए नाकाफी थी, इसलिए मैंने ये मकान बेच दिया था। मकान बेच दिया था? अरे किसे बेचा, कब बेचा? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने का बेचा। आप अगर एक दफा मुझसे पूछ लेते मैं आपको कोई अच्छा ग्राहक लगवा देता। अब तो बिक गया ना, और पैसे भी खर्च हो गए, और चंद दिनों में मैं एक मालिक मकान भी यहाँ शिफ्ट हो गए। अब तुम दोनों ने ये फैसला करना है कि माँ को कौन रखेगा। मेरी फिक्र मत करना, मेरा गुजारा तो किसी दरगाह पे नहीं है। कम से कम करोड़ों का होगा ये मकान, जो शायद इन्होंने आने पौने दाम बेच दिया। खैर जो बिकना था वो बिक गया, इस मसले से बाहर कैसे निकलना है ये सोचो। भाईजान आपके पास सब कुछ है माशाल्लाह से, नौकर चाकर घर में हर चीज की सहूलत है, तो आप अम्मी को अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? जो सलूक अम्मी ने नाजिया के साथ किया था ना, उससे बहू कबूल करना तो दूर, कभी इस घर में कदम तक नहीं रखने दिया। अब क्या वो अम्मी को कबूल कर लेगी? यही वजह है कि आज इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि जिस घर को बनाने में हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं एक बार वो फिर से टूट जाए। बात तो आपकी भी ठीक है, तुम अम्मी को अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? वैसे भी तुम अम्मी के फेवरेट रहे हो, और इतला अम्मी ने तुम्हें दी थी ना पहले। मैं हफ्ते में 4-5 दिन शहर से बाहर होता हूँ, और अम्मी की जो हालत है, बेचारी फौजिया अपाहिज अम्मी को अकेले कैसे संभालेगी, और ऊपर से उस शहर में इलाज की सहूलियत भी मुयस्सर नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी जो है मरीज के साथ रुकना पड़ता है किसी अकेले। कौन रुकेगा साथ? प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में कोई रुक नहीं सकता। तो क्या करें फिर? इस उम्र में करें भी तो उनका क्या करें, अल्लाह ना उनकी मुश्किल आसान कर रहा है और ना हमारी। इसका एक हल है मेरे पास। वो क्या? ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम? हाँ, वहाँ रिहाइश, इलाज और लोगों के साथ सब बंदोबस्त हो जाएगा, और तो और ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो फिर ठीक है, अम्मी को ओल्ड एज होम भेजने का हम सबका मुत्तफिका फैसला है ना। फैसला? फैसला सबका है, ऐसा ना हो कल को सब बात मेरे ऊपर आ जाए, लोग बातें करेंगे, रिश्तेदार बातें करेंगे। वैसे तो लोगों का काम है बातें बनाना। अरे करने तो जो बातें करता है, हमारे जब मसले मसाइल होते हैं तो हमें कोई पूछने आता है? तो फिर डन है ओल्ड एज होम। हाँ ठीक है, जब छोटे होते तो कहते हैं माँ मेरी, माँ मेरी, जब बड़े हो जाते तो कहते हैं माँ तेरी, माँ तेरी। ये ले, इसे भेज दे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भेज दिया तुमने अपना। जो कुछ है
ये सब बच्चों का ही तो है। दो सेट थे मेरे मैके के, वो मैंने आफताब को देकर उसे कारोबार करवा दिया था। ये अहमद को दे दूंगी। क्यों? अहमद को क्यों? आफताब बता रहा था शादी के बाद किराए के घर में रह रहा है वो, और उसे कारोबार के लिए पैसों की जरूरत है। तो ये बिक जाएगा तो किसी के हाथ उसे पैसे भिजवा दूंगी, उसका काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अहमद तो तुम्हें छोड़कर चला गया था, तुमने उससे कहा चले जाओ यहाँ से और वो चला गया, एक दफा भी पलट कर नहीं देखा उसने। अशरफ साहब, औलाद भले माँ बाप को छोड़ दें लेकिन वालदैन आखिरी सांस तक औलाद को नहीं छोड़ते। भाई तुम्हारी मंतक तुम्हें जाए। आप फिक्र ना करें, देखिएगा जब मेरे बच्चे सेट हो जाएंगे ना तो वो हमें कितना ऐश करवाएंगे। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो वैसे ही। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, मैं ले जाता हूँ कल उसको, देखता हूँ फिर क्या होगा। यहाँ आपकी घर से बेहतर क्या होगा? तो डॉक्टर और नर्स भी आपको डेली बेसिस पे विजिट कर लिया करेंगे। असल में हम अपने अपने काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि आप पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और आपकी सारी दवाइयाँ, ज़रूरत की सारी चीज़ें शाम तक पहुँचा दूँगा। और हाँ, यहाँ के स्टाफ से मेरी बात हो गई है, वो हफ्ते में दो बार आपको डायलिसिस के लिए ले जाएंगे। हेलो। अरे कहाँ रह गए आप, जल्दी आइए, खाना भी खाना है ना। नहीं नहीं बस निकल रहा है, खाना साथ खाते। अच्छा ठीक है, और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को ले आइएगा। ओके ओके मैं ले आऊंगा। चलें भाई, खाने पर वेट कर रहा हूँ सर। ओके माँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हम अब्बा जी तो सब कुछ बेच बाज के चले गए और दुनिया वालों की नजरों में हमें गंदा कर गया। जो होना था वो हो गया, अब अल्लाह हमें इस इम्तिहान में सुरखरू करे। वैसे अम्मी के और हमारे हक में यही बेहतर फैसला था। कुछ पैसे तो लगते हैं लेकिन सबकी जिंदगी सुकून में आ गई है। सुकून? कैसा सुकून? उधर तुम्हारी माँ बेयारो मददगार पड़ी हुई है और तुम्हारा बाप दरबारों की चौखट पर बैठा है और तुम लोग यहाँ बड़े आराम से बैठे हुए हो। कामरान अंकल, आप पाकिस्तान कब आए? कुछ बातों से पर्दा उठाने के लिए आना पड़ा। पर्दा? कैसा पर्दा? सब पता चल जाएगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। तुम ये रुको। कैसी तबीयत है बाप की? खाना खाना क्यों छोड़ा आपने? क्या यहाँ आपकी पसंद का खाना नहीं बनता? क्या बोल रही है? अरे यार पता नहीं क्या बोल रही है अंकल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। नहीं समझ आ रही कि ये क्या कह रही है, और तुम्हें समझ भी नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, जाने कितनी जुबानें समझ लेते हो। अगर नहीं समझ सकते
अपनी इस माजूर माँ की जुबान नहीं समझ सकते। तुम जब छोटे थे ना, जब बोल नहीं सकते थे तो तुम्हारी हर बात को ये समझ लेती थी, तुम्हारी जरूरियात को पूरा करती थी। तुम अक्सर मुझसे पूछा करते थे ना कि तुम्हें किडनी किसने डोनेट की है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं भाभी, आज प्लीज आप मुझे मत रोको, मुझे पूरा सच इन लोगों को बताने दें। 18 साल की उम्र में तुम्हारी किडनी में ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारे दोनों गुर्दे नाकारा होते जा रहे थे। उस वक्त यही माँ थी जिसने अपनी किडनी तुम्हें डोनेट की, और आज तुम जिस मुकाम पर हो ना, अपनी इस माँ की वजह से हो, वरना तुम इस दुनिया में ही ना होते। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें इस मुकाम तक किस तरह तुम्हारी माँ ने पहुंचाया है। भाई साहब, अहमद की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। भाभी वो कामरान, तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, फैमिली फ्रेंड हो, खुलकर बताओ क्या बात है। अशरफ भाई, क्या बताऊं आपको, अहमद की किडनी में ट्यूमर है और ऐसे बच्चे बहुत कम ही सरवाइव करते हैं। कुछ तो हल होगा ना इसका? जी, इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा और फिर डोनर को पहले ढूंढना पड़ेगा जिसका ब्लड ग्रुप और किडनी अहमद के साथ मैच करती है, तभी कोई चांस बन सकता है। अहमद का ब्लड ग्रुप मुझसे मिलता है, मैं दूंगी अपने बच्चे को किडनी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। भाभी, किडनी और ब्लड ग्रुप का मैच होना तो जरूरी है, असल में इस प्रोसेस पर खर्चा बहुत है। अरे यार, कितना महंगा होगा, अगर हम ये घर बेच दें तो हो जाएगा ना? भाई, अगर घर बेच दोगे तो रहोगे कहाँ? अरे यार, कितने फीसद लोग अपने घरों में रहते हैं, ज्यादातर लोग तो किराए के मकान में रहते हैं, हम भी रह लेंगे। यार प्लीज, तुम बस ऑपरेशन की तैयारी करो, अहमद को कुछ नहीं होना चाहिए। बस एक बहुत जरूरी बात करना चाह रही हूँ मैं आप दोनों से, अहमद को ये कभी भी ना पता चले कि उसे किडनी मैंने दी। अभी अहमद बच्चा थोड़ी है, आखिर उसको एक दिन पता तो लगेगा। बस अगर वो कभी आपसे पूछे तो कोई भी झूठ बोल दीजिएगा। ठीक है, आपके इस राज को मैं राजी रखूंगा, मैं उसे समझा दूंगा। जो आप बेहतर समझे भाई साहब। फरहान, देखते हैं अल्लाह बेहतर करने वाला है। मतलब अब्बा जी ने झूठ बोला था कि उन्होंने अम्मी के इलाज के लिए मकान बेच दिया था। हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस होते हैं इनकी, और उसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। किडनी और ब्लड ग्रुप का मैच होना तो जरूरी है, असल में इस प्रोसेस पर खर्चा बहुत है। अरे यार, कितना महंगा होगा, अगर हम ये घर बेच दें तो हो जाएगा ना? मतलब अब्बा जी ने झूठ बोला था कि उन्होंने अम्मी के इलाज के लिए मकान बेच दिया था। बस एक बहुत जरूरी बात करना चाह रही हूँ मैं आप दोनों से, अहमद को ये कभी भी ना पता चले कि उसे किडनी मैंने दी। सच कहा है खुदा, हम अपने वालिदैन की एक रात का हिसाब भी नहीं चुका सकते।
ये इस वक्त किचन में क्या कर रहे हो? भूख लग रही थी, ऑमलेट बना रहा था मैं। अरे तो मुझसे कह देते। अम्मी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अब भी तो डिस्टर्ब हुई हूँ ना। दिखा अहमद बेटा जल्दी से आओ, भाई को चोट लग गई है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। अम्मी छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? अरे हॉस्पिटल जाके पता चलेगा ना छोटी है या बड़ी है। इतना गहरा कट लग गया, जल्दी आओ मेरे साथ। ला कितना बड़ा कट लगा है। हम भटक गए थे, भूल गए थे कि हमारी तीनों दुनिया आपस में। भाई भाई देखो मैंने हाथ हिलाया, हाथ हिलाया मेरे। अभी नहीं अभी कुछ बोले, चलो देर से सही मगर कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। बड़ी गलती हो गई हमसे, प्लीज माफ कर दे बाबा, बहुत सजा मिल गई है मेरे को। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया। अगर तुम इन्हें एहसास दिलाने के लिए मुझे वो मशवरा ना देते तो शायद मेरे बच्चों को अपनी गलती का एहसास ना होता। मशवरा? कैसा मशवरा? हाँ बेटा, मैं कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान आया था और फिर जब अशरफ भाई को मिलने इनके घर पहुंचा तो इन दोनों बुजुर्गों को अकेला देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने यशव भाई को मशवरा दिया कि आफताब को कॉल करें और उसे कहें कि घर बिक गया है। ये झूठा मशवरा मैंने ही दिया था। मैंने सोचा कि ये सुनकर तुम दोनों इन दोनों बूढ़ों का सहारा बनोगे, मगर तुम दोनों ने अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। फिर मुझे अहमद के ऑपरेशन के रास्ते पर्दा उठाना पड़ा। आप भी हमें माफ कर। बेटा माफी मुझसे नहीं बल्कि अपने वालिदैन से मांगो, अपनी माँ से माफी मांगो। मैं माफ कर दें, राजी हो जाए हमसे, खुश हो जाए, बात करें ना अम्मी प्लीज। मैं हमसे राजी हो जाए, मैं माफ कर देंगे। कभी कुछ नहीं करेंगे ऐसा, कभी कुछ नहीं करेंगे।